हेलो एवरीवन, यस गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। यस एम ऑडिबल एवरीवन। ओके सो इन लास्ट लेक्चर देर वॉज सम टेक्निकल इशू, सो दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू कवर एंटायर न्यूज ऑफ द अक्टूबर। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर द अक्टूबर न्यूज़। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन, आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो दैट सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड और कवर्ड, वी कैन से सॉरी कवर्ड, सो दैट इज जून 2020 टू जून जुलाई अगस्त एंड सप्टेबर। सो ऑलमोस्ट सप्टेबर तक एंटायर हमारे 2020 के करंट अफेयर्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अक्टूबर करंट अफेयर्स। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो दैट एंड जस्ट वॉन्ट टू गिव यू द रिमाइंडर अबाउट द प्रिलियम्स। ओके सो ओनली 6 months आर देयर फॉर द प्रिलियम्स। सो प्लीज बूस्ट योर स्टडीज एंड प्रिपरेशन, जितने भी आस होगी तो आपको स्टार्ट करना है जितना पॉसिबल हो सकता है उतना फास्ट। एंड एज यू नो कि देर इज अ लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन, ऑलमोस्ट 10 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, तो उतना आपको देखना है कि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन आपको हाई लेवल पे इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज अगर मेंस में देखा जाए तो ओनली 13,000 अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स लिए जाते हैं, दैट इज ओनली 1.3%। ओके तो 1.3% है, तो डेफिनेटली आपको देखो एक स्टडी एक अच्छे लेवल तक इंक्रीज तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज ओनली 13,000 में आ रहे हो आप 10 लाख में से। ओके सो इसलिए थोड़ा प्रिपरेशन एटलीस्ट, मतलब जो प्रीलिम का प्रिपरेशन है, सो दैट विल नीड 6 मंथ, एटलीस्ट 180 डेज प्रॉपर चाहिए, जिसमें आपके 4 to 5 रिविजन्स आर एक्सपेक्टेड। ओके एंड सेकेंड होता है कि देर आर लॉट्स ऑफ बुक्स एंड लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट, तो जितना आप सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करते हो कि कौन से सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज है, लाइक दिस अगर आप करते हो, एंड इफ़ यू वॉन्ट अ प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ सब्जेक्ट वाइज एग्जैक्टली कैसे मार्किंग एक्सेट्रा, या फिर कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा वेटेज है, लाइक दिस, सो यू कैन चेक आउट माई लेक्चर्स ऑन अन अकेडमी विच आई एग्जैक्टली मेड फॉर द स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी लेक्चर्स। ओके सो उसके रिलेटेड स्ट्रैटेजी लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने कुछ कवर किए, जहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छा सिलेबस भी डिस्क्राइब किया एंड कैसे कवर करने चाहिए, हाउ मेनी रिविजन्स, और यू कैन गिव ऑलमोस्ट 5 रिविजन्स टू एवरी पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। ओके सो वो ऑलरेडी हमने वहाँ पे कवर किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, सो वी आर स्टार्टिंग विद द बैच दैट इज़ फ्रॉम द 21st of December, जो कि अल्टीमेट GS बैच होगी, बाइलिंगुअल बैच, जो कि फुल सिलेबस यहाँ पे कवर होगा विद द टॉप एजुकेटर्स, एंड प्रीलिम टेस्ट सीरीज विद द एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ पे, एंड PDF ऑफ द स्टडी मटेरियल एंटायरली प्रोवाइड किया जाएगा। ओके कि जिसमें आपको 6 मंथ की एक बैच होगी विच विल बी डेडिकेटेड फॉर द 2021st अटेम्प्ट। ओके तो एंड सेकेंड है कि जो नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, सो दैट इज उनके लिए भी एक बैच लॉन्च हुए, एंड फॉर द नेक्स्ट बैच ऑल्सो, मतलब 23 के लिए। सो इसमें 21 की जो 6 मंथ चैंपियंस बैच है उसमें टॉप एजुकेटर हो गए, एंड जिसमें मुन्नाल सर वगैरह बहुत सारे इंपॉर्टेंट टीचर्स जो है या उनके बेस्ट कोर्सेस है, तो वो आपको अवेलेबल हो गए, एंड उसमें भी सेम एंटायर मटेरियल शेयर किया जाएगा। और इसमें भी एनवायरनमेंट का जो टॉपिक जो रहेगा, सो आई एम गोइंग टू कवर द एनवायरनमेंट टॉपिक, दैट विल बी द स्टैटिक वन, एंड एंटायर 1.5 ईयर कंप्लीट एनवायरनमेंट द हिंदू न्यूज कवरेज, ठीक है। तो द हिंदू में जितने भी न्यूज आए थे, सो आई एम गोइंग टू कवर दोज न्यूज। ओके सो यू कैन एनरोल टू द 21st of, जो कि बाइलिंगुअल बैच है, तो वो डेफिनेटली आप एनरोल कर सकते हो। एंड डेफिनेटली आइकॉनिक प्राइस भी हाइक हो रही है, जहाँ पे आपको डिफरेंट एक कस्टमाइज स्टडी प्लान दिया जाएगा, एंड कनेक्ट विद द पर्सनल कोच भी आपको कनेक्ट हो सकते हैं, एंड अटेंड स्टडी बूस्टर लाइक दिस, तो आपको बहुत सारे यहाँ पे आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, या फिर कनेक्ट होने के चांसेस मिल सकते हैं, एंड आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हो आज, मतलब अगर आपका ऑलरेडी प्लस मेंबरशिप है तो। एंड यू कैन यूज़ द कोड दैट इज सुमित कोंडे फॉर द 10% ऑफ। ओके सो आप एक्स्ट्रा 10% ऑफ यहाँ पे मिल सकता है आपको। सो एनी वेज लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। ओके सो दैट इज़ द इंसेंटिव फॉर नॉट बर्निंग स्टबल अनवाइबल EPC है। तो देखो ये न्यूज़ में वैसे देखा जाए तो जो इंसेंटिव दिए जा रहे थे 100 पर क्विंटल, वैसे 19 में ही ये पंजाब हरियाणा में स्टार्ट हुआ था कि आप स्टबल बर्निंग मत करो, सो दैट गवर्नमेंट उनको क्या देगा कि यहाँ पे इंसेंटिव देने वाले थे। सो ये इतना वाइबल सॉल्यूशन नहीं है, ऐसे थोड़ा सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड जो एक कमेटी है, दैट इज द EPCA, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, विच इज मेड अंडर द एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट 1986। ओके तो यहाँ पे पूछ सकते हैं कि कौन से एक्ट के अंडर एग्जैक्टली ये कमेटी बनी है। सो एनवायरमेंटल पोल्यूशन यस कंट्रोल एक्ट, तो ये यहाँ पे देख लेना है आपको। एंड सेकेंड है कि ये अगर कमेटी आप देखते हो, दैट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, सो ये कौन से एक्ट के अंडर बनी है फर्स्ट थिंग, सेकेंड इनका एग्जैक्टली रोल क्या है, सो दैट इज टू इम्प्लीमेंट ग्रैप इन द दिल्ली रीजन, दिल्ली NCR रीजन।
ओके जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो सॉरी पोल्यूशन हो जाता है, एक्सट्रीमली सॉरी, सो जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है तब AQI के इंडेक्सेस अगर आप देखोगे सिक्स कैटेगरीज होते हैं. तो इफ़ द पोल्यूशन गोज़ बियॉन्ड 500, ओके मतलब 500 जो सीवियर कैटेगरी के अगर ऊपर जाता है, सो दैट इज़ पार्टिकुलेट मैटर वगैरह उसमें काउंट होते हैं, टोटल 8 पोल्यूटेंट्स आते हैं AQI में. तो अगर उनका यहाँ पे कोपिंग कैपेसिटी से अगर निकल जाते हैं आउट ऑफ दैट या हजार्डस होता है तो तब ग्रैप एक्टिवेट होगा. इट इज़ ओनली एमरजेंसी प्रोग्राम. ओके सो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर लेक्चर्स में बहुत इसका कवरेज हमने डिटेल में देखा है. सो इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जाता हूँ. अगेन वी आर गोइंग टू स्किप टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज. सो दैट इज द थ्री फोल्ड इंक्रीज इन द लियोपार्ड कैप्चर ट्रांसलोकेशन स्टडी सेज. ओके सो अक्रॉस द कर्नाटका इंडिकेट दैट द पॉलिसी ब्रॉट आउट द गवर्नमेंट विद द रिस्पेक्ट टू कैप्चर एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ हैज़ नॉट हैड मच इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड. ओके सो ऐसे कुछ ट्रांसलोकेशन हुआ था इसलिए नॉर्मल न्यूज़ थी. सो मुझे लगता है देखो इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं होगा, बट वॉट एवर द मेंशन नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज इन द न्यूज और टाइगर रिजर्व इन द न्यूज, सो दे कैन बी वी कैन से हाईलाइटेड बाय द UPSC. सो हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांसलोकेशन कहाँ पे हुआ है, तो बांदीपुर में हुआ है या नगरहोल में हुआ है एंड कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि इस बार का कुछ क्वेश्चन था. सो ये किसके पार्ट है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट है. सो UPSC कैन आस्क लाइक दिस कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, या फिर बांदीपुर होगा तो एग्जैक्टली देखो नीलगिरी के जंक्शन पे आता ही है. ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि बांदीपुर एग्जैक्टली कहाँ पे, नगरोल कौन से स्टेट में, लाइक दिस. ठीक है एंड सेकेंड एक हो सकता है कि लियोपार्ड का स्टेटस क्या है. सो दैट इज वल्नरेबल इन द लिस्ट. ओके मतलब उनके पॉपुलेशन देखा जाए तो इंडिया में बहुत अच्छा पॉपुलेशन है कि ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया मिलते हैं. ओनली एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पे थार डेजर्ट होगा वो एक रीजन है एंड सेकंड इज द मैंग्रोव रीजन, तो वहाँ पे छोड़ देते हो तो ऑलमोस्ट सब जगह पे आपको लियोपार्ड का पॉपुलेशन एक वेल लेवल पे दिखेगा. एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द बिग कैट होता है जो कि मोस्टली नॉक्टर्नल, मतलब नाइट में इनका हंटिंग होता है जनरली, एंड फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ डेजर्ट. ओके ऑलमोस्ट 14,000 तक इनका कुछ 12 to 14,000 तक इनका पॉपुलेशन है एंड वल्नरेबल है एंड शेड्यूल वन में आता है, अपेंडिक्स वन ऑफ द साइट्स. ओके एंड शेड्यूल वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब इसको हाई डिग्री ऑफ द प्रोटेक्शन है. इफ यू हंट और डू द पोचिंग ऑफ द दिस लियोपर्ड सो द पनिशमेंट विल गोज अप टू 3 to 7 years एंड 10K to 25K तक के फाइन्स लग सकते हैं. सो दैट इज द प्रोविजन अंडर द शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. नेक्स्ट न्यूज है, चलो देखते हैं यहाँ पे अटल टनल योजना. ठीक है सो अटल टनल स्कीम, सो दैट इज इन द हिमाचल प्रदेश. प्लीज डू नॉट गेट कन्फ्यूज विद द चंबा टनल, चंबा टनल इज डिफरेंट. ओके अटल टनल क्या है यहाँ पे कि अटल टनल ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल ओपन हुआ है रिसेंटली जो कि 9.02 किलोमीटर लॉन्ग है एंड विच इज गोइंग टू कनेक्ट मनाली टू लाहौल स्पीति वैली. स्पीति जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, यस जो कि UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, देखो स्पीति इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज. ओके इन द हिमाचल प्रदेश. सो यहाँ से मनाली से अगर आप लाहौल स्पीति देखते हो तो इसको कनेक्टिविटी ये अटल टनल देता है. एंड सेकेंड क्या है कि ओवरऑल अगर देखा जाए सो ड्यू टू द बैड वेदर द टनल वी कैन से कि वॉज क्लोज्ड, द वैली अदरवाइज रिमेन्स कट ऑफ नियरली 6 मंथ इन अ ईयर. रोहतांग पास इज नो स्नो बाउंडेड बिटवीन द नवंबर एंड अप्रैल. तो मोस्टली क्या होता था ना, ये मतलब टनल से पहले अगर हम देखते हैं, बनने से पहले तो जो रोहतांग पास है, ओके या फिर हम देख सकते हैं कि मनाली टू लेह लद्दाख, तो ये जो कनेक्टिविटी है तो वो ब्रेक होती थी इन द विंटर सेशंस. ओके तो ये अभी नहीं होगा. सो नाउ इट इज गोइंग टू गिव यू द राउंड द ईयर रोड कनेक्टिविटी. ओके सो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर आप इससे कनेक्ट रह सकते हो. सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जिस वजह से क्या हो सकता है कि यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स होगा या टूरिज्म होगा या पोस्ट होने के चांसेस है एंड इवन दो एक्सपेक्टेड टू फोस्टर द डेवलपमेंट इन द वैली. ओके एंड इट इज वेरी सिग्निफिकेंट इन द मिलिट्री लॉजिस्टिक एज वेल. ओके तो मिलिट्री लॉजिस्टिक के लिए भी क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा. सो ये कौन से टेक्नोलॉजी से बना है, सो इट इज नॉट इंडिजिनियस वन. सो इट इज मेड अप बाय द न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड जो कि चंबा टनल में भी यूज हुआ था उत्तराखंड में. ठीक है एंड इट इज नॉट द पार्ट ऑफ चारधाम परियोजना, बिकॉज चारधाम परियोजना कंप्लीटली उत्तराखंड के लिए लिमिटेड है एंड इट इज लिमिटेड इन द हिमाचल प्रदेश. तो ये हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख को कुछ कनेक्टिविटी देगा या मनाली लाहौल स्पीति. ठीक है तो इसको डेवलप किसने किया है, सो दैट इज बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच प्रोजेक्ट, यस दैट इज द शिवालिक प्रोजेक्ट. ओके तो शिवालिक प्रोजेक्ट के अंडर ये क्या हुआ है, डेवलप हुआ है. ओके वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल, हाईवे टनल. ओके तो ये सब पॉइंट जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैंने यहाँ पे आपको नोट करके दिए. ठीक है स्टिल यू हैव टू गिव सम, यहाँ पे आप और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो. ठीक है नेक्स्ट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे मेंशनड है तो आपको उसके भी डिटेल्स देखने पड़ेगी कि एग्जैक्टली कब क्रिएट हुआ, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, लाइक दिस. सो इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ
डिफेंस, ओके, कि जो बॉर्डर के रोड्स बनाते हैं, बिकॉज नॉर्मली जो हाईवे अथॉरिटीज होते हैं या फिर जो स्टेट रोड्स वगैरह बनाएंगे, तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं कि इतने हाई अल्टीट्यूड्स पे, हार्ड टेरियन पे उतने रोड बनाए जाए. तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर आर्मी के जो लोग होंगे, तो उसको बेटरली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स वाई ब्रो, यहाँ पे हमने 1960 में, जब हमें थोड़ा चाइना से थ्रेट लग रहा था, तब हमने क्रिएट किया था, 1960s. ओके, तो याद रखना. एंड सिर्फ इंडिया के ही रोड्स, यहाँ पे बॉर्डर के रोड्स नहीं बनाते, तो ये क्या करते हैं, थोड़ी हेल्प भी कर देते हैं कि भूटान होगा, नेपाल होगा, या म्यांमार, अफगानिस्तान, इनको भी ऑलरेडी हमने रोड क्रिएट करके दिए हैं. नॉट पाकिस्तान एंड चाइना, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, उनको अननेसेसरी हम एंटरटेन क्यों करेंगे, ठीक है? तो याद रखना. तो अदर जो नियर बाय कंट्रीज है, तो उनको दिया है. इवन दो लीबिया में भी हमने कुछ रोड कंस्ट्रक्ट करके दिए थे, दैट इज अपार्ट फ्रॉम द, मतलब इंडियन बॉर्डर के भी बाहर अगर देखा जाए, तो बहुत ही सक्सेसफुल काम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का. ओके, नेक्स्ट है कि इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, अरुणा के, बीकन है, मतलब जितने, जैसे लद्दाख के रोड बहुत ही फेमस रोड्स है, कि मतलब वहाँ पे बहुत हार्ड टेरियन में, ऐसे मतलब जहाँ पे बाइक्स या कार्स भी नहीं चलती है, तो मतलब बहुत ही हार्डली यहाँ पे फ्लो होती है, तो वहाँ पे इन्होंने रोड्स क्रिएट किए. सो दैट इज, दे कैन डू एवरीथिंग. सो दैट्स वाई अगर लोगों भी आप देखोगे उनका, तो दैट इज एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क. ये हमारे लिए भी एक मैसेज है, ठीक है? सो कितना भी हार्ड टेरिन हो, दे कैन कंस्ट्रक्ट अ रोड, शमेन सर्वम साध्यम, लाइक दिस. ओके, सो ये उनका लोगो भी आपको, मोटो भी दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है? सो ऐसे ही उन्होंने शिवालिक प्रोजेक्ट है, देखो उसके अंडर रिसेंट करंट अफेयर्स में आपको वही याद रखना है. सो दैट इज द चंबा टनल, ओके, जो कि उत्तराखंड में आता है. एंड सेकेंड क्या बनाया, सो दिस अटल टनल. ओके, सो इट इज मेड अंडर ब्रो शिवालिक प्रोजेक्ट. ओके, सो दिस पॉइंट यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स. ओके, देन देखो रिसेंटली और एक कुछ न्यूज में था, मधुचा डप्लस्टेमॉन रिसेंटली इन द न्यूज. तो ये क्या है ना, कि नथिंग बट, यस, आप जस्ट टॉक कर सकते हो एंड यस गो थ्रू दिस क्वेश्चन. यस, हार्डली 3 to 4 seconds मिलेगी आपको, बिकॉज आपके और मेरे इसमें कनेक्टिविटी में थोड़ा डिलीवरी का टाइम ज्यादा होता है. सो जस्ट एक क्वेश्चन पैटर्न शो करना यहाँ पे मेरा मोटो है. एंड इफ यू वॉन्ट टू अटेम्प्ट डिफरेंट एमसीक्यूज ऑन करंट अफेयर्स, ओके, तो जो भी लास्ट 6 month या 1 year करंट अफेयर्स के, आपको अगर एमसीक्यू के सेशंस देखना है, सो यू कैन गो टू अन अकेडमी ऐप. एंड वहाँ से आप डाउन, वहाँ पे आप जो मेरे रिकॉर्डेड ऑलरेडी लेक्चर्स चल रहे, आज भी इवनिंग में 7 PM को कुछ लेक्चर है, ठीक है? तो वो आप फ्रीली देख सकते हो. जस्ट यूज द अनलॉक कोड, दैट इज सुमित कोंडे, एंड यू कैन वॉच फ्री लेक्चर्स. ओके, आज हम क्या करने वाले, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन ज्योग्राफी, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे जो कि हम डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको एक अप्रोच समझेगा. सो यू विल अंडरस्टैंड द यस कोर एरिया ऑफ द यूपीएससी, ठीक है? तो आप ये बाद में देख सकते हो. सो चलो देखते हैं. मधुचा डिप्लोस्टेमॉन, सो इट इज अ थ्रेटन स्पीसीज, अ ट्री इन द वेस्टर्न घाट, रीडिस्कवर्ड आफ्टर गैप ऑफ 180 ईयर्स. तो ऐसे कुछ मिला था, विच इज एंडेंजर्ड इन द लिस्ट, एंड केरला में कोलाम रीजन में कुछ मिले थे, दैट इज द मधुचा डिप्लोस्टेमॉन. ओके, सो बाकी मुझे इतना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं लगा ये न्यूज़ में. सो आप जस्ट इसको स्किप करो एंड जस्ट ओवर, यहाँ से मधुचा डिप्लोस्टेमन इज अ एक्सटिंक्ट ट्री, लाइक दिस, आप ये नॉर्मली पढ़ के इसको स्किप कर सकते हो. सो नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स वायोलेटेड इन द चारधाम प्रोजेक्ट. अब ये आ गया, देखो चारधाम परियोजना अगेन आ गया यहाँ पे, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि कुछ वायोलेशंस हुए, कि जो रोड की वेड्थ है, तो वो थोड़े से जो लिमिटेड किया था, तो उससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे जो सैंक्शन था, उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ रोड की ब्रॉडनेस है. सो ओवरऑल द इशू इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इस पे तो डायरेक्टली ऐसे कुछ प्रीलिम्स या मेंस में क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, बट वॉट एवर द हाईलाइटेड पॉइंट, सो दैट इज द चारधाम परियोजना या जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे डिस्प्यूट में है, तो वो देख लेना. 900 किलोमीटर का कुछ प्रोजेक्ट है, 12,000 करोड़ यहाँ पे बहुत बड़ी एक अमाउंट इन्वेस्ट हुई है. एंड चारधाम परियोजना का मेन पर्पज क्या है, सो टू गिव द मोर कनेक्टिविटी बिटवीन गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, विच इज द पार्ट ऑफ, यस, किसके पार्ट ही है, कुमाऊ हिमालय. एंड कुमाऊ कुमाऊ हिमालय इज द पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय. ओके, तो याद रखना, कुमाऊ हिमालय का ये पार्ट है, विच इज द पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय. ओके, सो द थिंग इज दैट, कि यहाँ पे जो कुमाऊ हिमालय में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री, ये जो प्लेसेस है, तो ये छोटा चारधाम प्लेसेस आते हैं. ओके, सो डिफरेंट चार धाम है, कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, सो दीज चार धाम्स आर डिफरेंट. ओके, कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो ये चार धाम अलग है ना. तो जो ओरिजिनल चार धाम होते हैं, तो वो कौन से, बद्रीनाथ है, द्वारकाधीश टेम्पल या द्वारका टेम्पल रहेगा गुजरात में, एंड दैट इज रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु, कोरोमंडल कोस्ट के आसपास आता है, एंड जगन्नाथ पुरी का जो टेम्पल है, तो वो उड़ीसा में आता है. सो दीज आर द ओरिजिनल चार धाम.
एंड जो छोटा चारधाम है तो वही हमें कनेक्ट करना है। सो ओरिजिनल चारधाम से इसका कुछ लेना देना नहीं है, मतलब मोस्टली चारधाम परियोजना, तो ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे ये बाकी चारधाम से आ जाएंगे, ठीक है। सो द थिंग इज दैट कि छोटा चारधाम को हम डेवलप कर रहे हैं, इनके बीच में जो कनेक्टिविटी है तो वो इंक्रीज करके, सो दैट यहाँ का टूरिज्म बूस्ट ऑफ पिलग्रिमेज साइट को मोर कनेक्टिविटी मिले। सो दैट इज बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। ओके, सो लेट्स कम बैक टू न्यूज अगेन। सो द थिंग इज दैट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिसेंटली इन्होंने क्या किया है, 450 मीटर का, मतलब शॉर्ट टनल है एज कम्पेयर्ड विद द दैट इज रिसेंटली हमने जो अभी देखा अटल टनल, उसके कंपेरिजन में देखा जाए तो ये छोटा टनल है, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे क्या है ना कि चारधाम परियोजना का ये पार्ट है। सो इट इज बिल्ट ऑन द नेशनल हाईवे 94 इन उत्तराखंड, जब चंबा टनल जो है तो ऋषिकेश धरासू इसको कनेक्टिविटी देगा उत्तराखंड में। ओके, सेकेंड है तो ये बिल्ड किसने किया, तो सेम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज बिहाइंड डेवलपिंग दिस प्रोजेक्ट। सो इन्होंने देखो जो प्रोजेक्ट डेवलप किया तो ऑलमोस्ट रिड्यूस होगा डिस्टेंस 1 किलोमीटर से, एंड जो अर्लियर 30 मिनट लगते थे उसे अभी 10 मिनट लगेगी, एंड मोर कनेक्टिविटी प्रॉपरली यहाँ पे मिलेगी, जो भी ट्रैफिक होगी एरियाज में वो अभी कम हो जाएगी। एंड इसको डेवलप किसने किया, टीम शिवालिक, एंड द सेम टेक्नोलॉजी, सेम जो हमने अटल टनल में देखी थी, तो वही टेक्नोलॉजी यहाँ पे, दैट इज ऑस्ट्रियन टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है कि यहाँ पे बोरो इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट 250 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे लीडिंग टू होली श्राइन्स गंगोत्री एंड बद्रीनाथ। ओके, जो कि यहाँ पे हमने देखा है ब्रो के बारे में ऑलरेडी हमने देखा है, तो देखो अलग अलग इनके प्रोजेक्ट होते हैं कुछ, कि जब हर एक रीजन वाइज, हिमांक होगा कि जो लेह की तरफ आता है, विजायक होगा तो कारगिल की तरफ है, श्रीनगर में अगर देखा जाए तो बिकन है, संपक अगर देखोगे तो जम्मू कश्मीर में आएगा, बीकानेर में भी अगर देखते हो बिकॉज वो भी बॉर्डर का पार्ट है, सो दैट इज द चेतक लाइक दिस। ओके, तो ऐसे ही अभी शिवालिक फिलहाल न्यूज में चल रहा है, तो शिवालिक याद रखो जो कि मोस्टली ये पॉइंट्स को कनेक्टिविटी देगा, दैट इज दिस पॉइंट्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस न्यूज़। ओके, तो ये बाकी भी कुछ कंटेंट है, यू कैन गेट दिस पीपीटी फ्रॉम, अगेन फ्रॉम द अन अकेडमी ऐप, वहाँ पे भी आप लेक्चर्स देख सकते हो, वहाँ पे आपको पीपीटीज मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, सो दैट इज द कुछ न्यूज़ में था, देखो जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं। सो दैट इज नागोर्नो काराबाख, ठीक है, सो दैट वॉज इन द न्यूज़। ओके, सो कंसिडर द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नागोर्नो काराबाख, सो इट इज द माउंटेनियस टेरिटरी बॉर्डर बाय द कैस्पियन सी, ऐसे कुछ दिया उन्होंने। इट इज इंटरनेशनल रिकोगनाइज एज अ पार्ट ऑफ आर्मेनिया दिया है, एंड लेक 7 इज लोकेटेड विद इन द नागोर्नो काराबाख। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ओके, जो भी कौन से इनकरेक्ट है इसमें। ओके, सो ऑल ऑफ द अबव विल बी इनकरेक्ट वन, ठीक है, सो सब के सब गलत है, बिकॉज देखो ये नागोर्नो काराबाख जो रीजन है तो वो पार्ट है अजरबैजान का, नॉट आर्मेनिया। एंड लेक 7 भी देखा जाए, 7 जो दिया उन्होंने, तो वो भी किसका पार्ट है, आर्मेनिया का पार्ट है, कंप्लीटली आर्मेनिया का पार्ट है, सो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस। ओके, सो इसलिए देखो लेक 7 इज लोकेटेड विद इन नागोर्नो काराबाख, नहीं बिल्कुल ये बहुत दूर आ जाता है। ओके, सो यहाँ पे आता है आर्मेनिया में। सेकेंड इन्होंने दिया है कि इट इज माउंटेनियस टेरिटरी बॉर्डर बाय द कैस्पियन सी इन द ईस्ट, तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये जो डिस्प्यूट्स है बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान, तो ये अंदर की तरफ आता है, इट इज़ नॉट बॉर्डर बाय द कैस्पियन सी, तो यहाँ पे अंदर मतलब ईस्ट की तरफ कैस्पियन सी आ जाएगा, तो उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये लैंड एरिया जो आईआर में थोड़ा सा आपको स्टडी करना है अबाउट दिस रीजन नागोर्नो कारबाख। ओके, सो जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको लोकेशन तो बता दिया है एग्जैक्टली कहाँ पे आता है, ठीक है। सो लैंडलॉक माउंटेनस टेरिटरी हैज बीन एट द सेंटर ऑफ द क्लैशेज बिटवीन द आर्मेनिया एंड अजरबैजान, तो ये कुछ इश्यूज चल रहे हैं, एंड इट इज इंटरनेशनली रिकोगनाइज एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान, तो किसका पार्ट है, अजरबैजान का पार्ट है फिलहाल के डेट में। ओके, तो इतना सब याद रखो, आई होप आपको ये डेफिनेटली मतलब ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। एंड रही बात आर्मेनिया की, सो इट इज द ओनली लैंडलॉक कंट्री इन द वेस्ट एशिया। ओके, वेस्ट एशिया जितना भी एंटायर वेस्ट एशिया आता है, राइट फ्रॉम द जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान, इराक, देन उसके बाद कुवैत लोगे, सऊदी लोगे, तो इतने सब के सब जो भी है और भी है, मतलब ऐसे देखा जाए तो हम एंटायर लिस्ट यहाँ पे नहीं दूंगा मैं आपको, बट एक बात याद रखना कि वेस्ट एशिया में ओनली लैंड लॉक कंट्री दैट इज आर्मेनिया, अदरवाइज सब के सब देखो, एक तो कैस्पियन सी को लगते हैं या ब्लैक सी को लगते हैं या मेडिटेरेनियन सी होगा, रेड सी होगा या पर्शियन गल्फ को लगते हैं, सो ओनली लैंड लॉक कंट्री दैट इज द आर्मेनिया। ओके, सो ये भी अच्छा एक पॉइंट है, आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं उसको। एनीवेज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क इन द लाइव चैट बॉक्स। ओके, तो आपके यहाँ पे कुछ लाइव चैट बॉक्स है तो वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू राइट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स। ओके, या आपकी तरफ से भी कुछ रिकमेंडेशंस होंगे फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस, कि सर हमारा ये पार्ट थोड़ा बीक है, आई वॉन्ट और आपको एग्जैक्टली वो पॉइंट कवर करना है, सो आप यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। ओके,
So next है EPCA directs Delhi other Delhi and other state to implement GRAP. ठीक है, तो EPCA जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, तो उन्होंने डायरेक्ट किया है कि बाकी जो स्टेट्स है लाइक जो पंजाब होगा एंड हरियाणा होगा, तो इनको भी डायरेक्ट किया है कि आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दो ग्रैप. सो ग्रैप मैंने बताया था आपको कब इंप्लीमेंट होगा, ग्रैप ओनली इन द इमरजेंसी कंडीशन. इमरजेंसी कंडीशन कब आती है कि जब AQI के जो स्टैंडर्ड से 500 प्लस सीवियर प्लस निकल जाते हैं तभी होता है. तो अभी बाकी स्टेट को क्यों बताया जा रहा है, मतलब वैसे दिल्ली में तो ठीक है बट दिल्ली में वैसे भी यूजुअली तो पोल्यूशन बहुत हाई लेवल तक निकल जाता है, बट बाकी स्टेट को क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, बिकॉज EPCA चेयरमैन हैज पॉइंटेड आउट दैट देर इज एनफ एविडेंस दैट पोल्यूशन विल मेक कोविड 19 मोर सिवियर मोर डेंजरस, देयरफॉर मस्ट बी अ जीरो टॉलरेंस फॉर एयर पोल्यूशन. मतलब यहाँ पे जीरो टॉलरेंस रखो, बाकी स्टेट भी इसको सीरियसली लेना है. बिकॉज क्या हो सकता है ना कि देखो कि जितना पोल्यूशन इंक्रीज होगा जितना ओजोन लेयर इंक्रीज होगा, तो मतलब जो ओजोन इन द ग्राउंड लेवल ओजोन दैट इज कंसिडर एज द बैड ओजोन, तो जितना ओजोन इंक्रीज होगा उतना इशू क्या हो सकता है कि रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकता है. और वैसे भी COVID-19 भी क्या कर रहा है आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर अफेक्ट कर रहा है, तो अगर ये दोनों मिलकर अफेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली सीवियर कंडीशन बन सकती है, मॉर्टेलिटी यहाँ पे हाई हो सकती है, दैट इज द डेथ रेशो जो है वो इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू अदर स्टेट. सो इसलिए इसको जीरो टॉलरेंस रखो, ऐसे EPCA बोल रहा है. EPCA इज मेड अंडर द सुप्रीम कोर्ट मैंडेट. ठीक है, ये कोई मतलब किसी अलग से ऐसे मिनिस्ट्री ने कोई क्रिएट नहीं किया, इसको सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट के अंडर ये क्रिएट हुआ है. तो याद रखना ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए थोड़ा सा एक होमवर्क देता हूँ, दैट इज प्लीज चेकआउट अबाउट द सिंडेमिक. वॉट इज सिंडेमिक, एवरी वन नोज अबाउट द पैंडेमिक एंड एंडेमिक एंड एवरीथिंग, बट वॉट इज एग्जैक्टली द सिंडेमिक, सो ये आपको देखना है कल. आई होप आप लोग देख के आ जाओ. ठीक है, सो वॉट इज एग्जैक्टली द सिंडेमिक कंडीशन. ओके, नेक्स्ट है सर, दैट इज दिल्ली एयर क्वालिटी स्लिप्स टू वेरी पुअर कैटेगरी. वही आया था कि ऑलमोस्ट देखो काम विंड्स एंड क्रिएटिंग हेज ओवर दिल्ली, मतलब दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन विंटर में होता है बिकॉज हाई प्रेशर लाइक कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट होते हैं. सो जो भी पोल्यूशन यहाँ पे सैचुरेट हो जाता है हाई प्रेशर की वजह से. सो इसलिए अभी ऐसे न्यूज़ तो आते रहेंगे, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कंटिन्यूसली ऐसे न्यूज़ आपको हिट होने वाले हैं. ठीक है, तो ये देखो एयर क्वालिटी ऐसे कुछ होते हैं, टोटल 6 कैटेगरीज आर देयर. ओके, कि जहाँ पे 0 to 50 अगर आप देखोगे तो गुड होता है, एक नॉर्मल कंडीशन होती है, गुड अच्छी कंडीशन होती है, सेटिस्फैक्ट्री 50 to 100 लाइक दिस. अगर देखोगे आप सीवियर कंडीशन कब जाती है 400 to 500 की इन बिटवीन अगर एयर पोल्यूशन जाता है तो. सो देर आर टोटल 6 कैटेगरीज ऑफ द AQI एंड टोटल 8 पोल्यूटेंट्स आते हैं कि जो यहाँ पे ट्रैक किए जाता है. ओके, एंड इस पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन कौन है, सो दैट इज ऑलमोस्ट 45% अगर आप देखोगे, सो दैट विल बी द इंडस्ट्री या फिर डस्ट एंड डस्ट कंस्ट्रक्शन वगैरह जो होते हैं, डस्ट पार्टिकल से पार्टिकुलेट मैटर्स जिसको हम बोलते हैं PM10 एंड PM2.5, तो ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है. देन वेस्ट बर्निंग 17% तक कुछ रिस्पॉन्सिबल है, मतलब स्टबल बर्निंग जो हम करते हैं तो उससे यही रिस्पॉन्सिबल होगा. तो एनीवेज तो वो देख लेना आप बाद में. सो वॉट इज ग्रैप, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया है. अगर आपको इसके PPT चाहिए या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन गो टू द अनअकैडमी ऐप एंड वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. जस्ट सुमित कोंडे टाइप करना और वहाँ पे मिल जाएगा आपको. देखो अगेन बहुत सारे न्यूज आ जाते हैं, दिल्ली कैबिनेट गिव्स नॉट फॉर द ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी. अब दिल्ली गवर्नमेंट क्यों ट्री ट्रांसप्लांटेशन कर रहा है, बिकॉज देखो जब ग्रैप एक्टिवेट होता है ना तो उसको दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है पराली प्रदूषण योजना, पराली प्रदूषण योजना. ओके, कि जब पराली प्रदूषण स्कीम एक्टिवेट होती है, मतलब ग्रैप जब एक्टिवेट होता है तो पराली प्रदूषण स्कीम 7 पॉइंट प्रोग्राम एक्टिवेट होता है, जो कि केजरीवाल स्कीम भी आप इसको बोल सकते हो इन शॉर्ट. ठीक है, तो इनका 7 पॉइंट प्रोग्राम होता है कि जब स्कूल बंद किए जा सकता है, कंस्ट्रक्शन बंद होगा, आउटर जो हेवी व्हीकल्स होते हैं वो बंद किए जाएंगे. देन उसके बाद अगर देखा जाए तो सेकंड है कि हम यहाँ पे अदर स्मॉग के जो इश्यूज होते हैं, तो स्मॉग टावर्स मोर इंस्टॉल किए जाएंगे, या फिर फॉग स्प्रे किया जाएगा, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि थोड़े शावर स्प्रेड किए जाएंगे कि उसमें पोल्यूशन स्टेबल हो जाए, पार्टिकुलेट मैटर उसमें स्टेबल हो सकता है, ऐसा एक सॉल्यूशन होता है. एंड सेकंड होता है लास्ट अगर जो होगा तो दैट इज द ट्री प्लांटेशन. तो यहाँ पे युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध फाइट अगेंस्ट द पोल्यूशन अ ह्यूज मूवमेंट टू कब राइजिंग पोल्यूशन लेवल्स इन द कैपिटल वॉज स्टार्टेड. तो इन्होंने फिर वही स्टार्ट किया है कि पराली प्रदूषण योजना के अंडर ही, या फिर ऐसे नॉर्मली उन्होंने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी थोड़ी एडवांस कर दी है बाकी स्टेट के अलॉन्ग विद दैट. बिकॉज बाकी स्टेट में अगर आप देखोगे तो कैंपा, आई होप यू नो अबाउट द कैंपा, अगर नहीं पता है तो आज थोड़ा सा देख लो इसको, या एनवायरमेंट के मेरे सेशंस में आपको अनअकैडमी पे मिल जाएगा. ठीक है, करंट अफेयर्स के सेशंस में. सो दैट इज कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एक्ट अगर देखा जाए. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है इंडिया का, कि अगर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ पे हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में अगर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या है कि जितना डिफॉरेस्टेशन होगा उतना ही
अफॉरेस्टेशन करना उनको मैंडेटरी है वो कंपनीज को। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कैंपा में उसको फंड आप यहाँ पे डिपॉजिट कर दो, कैंपा विल इम्प्लीमेंट दैट। सो ऐसे ये कैंपा इम्प्लीमेंट होता है जनरली, मतलब अगर देखा जाए तो। सो यही कैंपा अगर देखते हो तो ये मोस्टली ऐसे वर्क करता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस कैंपा, मतलब कैंपा का जो है ना कि जितना डिफॉरेस्टेशन हुआ है उतना अफॉरेस्टेशन करना इनका मोस्टली काम होता है। बट यहाँ पे कुछ अलग सिचुएशन है, तो दिल्ली की पॉलिसी कुछ अलग है। तो दिल्ली क्या बोलता है कि एक अगर ट्री, अब फॉर एवरी वन ट्री दैट इज कट प्लांटिंग 10 सैपलिंग इज मैंडेटरी। मतलब 10 सैपलिंग आपको या 10 ट्रीज आपको लगाने पड़ेंगे, एंड जो ट्रीज लगाओगे मिनिमम 80% ट्रीज अफेक्टेड बाय डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विल बी ट्रांसप्लांटेड एज मच एज दैट इज 80% ट्रांसप्लांटेड ट्री मस्ट सर्वाइव आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। मतलब एक तो आप 80% वहाँ पे क्या है उनका सर्वाइवल भी होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ लगा के छोड़ दिया वैसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, 80% उनका सर्वाइवल भी मैंडेटरी है। तो ऐसे डेडलाइंस वगैरह देख के उन्होंने क्या किया कि ये प्रोग्राम स्टार्ट किया ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। ओके सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट इज सिनेमासिस अनंदानी के। सिनेम थोड़ा सा हार्ड है प्रोनाउंसिएशन, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये देखो एक कुछ न्यूज़ में आया था, रॉक ड्वेलिंग गेको एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो ऐसे कुछ रॉक ड्वेलिंग गेको बहुत ही छोटे पार्ट में आता है, सो शायद पूछ सकते कि किसका पार्ट है ये। सो इट इज द पार्ट ऑफ, यस दैट इज द टोकाई गेको जो होता है। रिसेंटली क्या हुआ था कि इंडिया ने इसको डिमांड की थी साइट्स में, साइट्स के जो लिस्ट होती है उसमें कि इसको क्या करना चाहिए, शेड्यूल वन में डाल दो। बिकॉज क्या होता है ना कि इसका एज अ एनर्जी ड्रिंक या फिर कैंसर के अपोज में ऐसे अगर देखा जाए तो ऐसे प्रूवन नहीं है बट इलीगल ट्रेड होता है इसका, टोकाई गेको का। और ये टोकाई गेको का ही एक छोटा पार्ट है, सो दैट इज रॉक ट्वेलिंग गेको इसको कहा जाता है, जो कि एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट। ओके अंडरस्टूड एवरीवन। तो ये देख लेना, नॉर्मल न्यूज में आया था। देन यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विंस 2020 नोबेल प्राइज, क्योंकि COVID-19 के टाइम भी अगर देखा जाए तो डबल हंगर हुआ है, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, तो इसलिए इनको क्या मिला है रिसेंटली, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है 2020 का। तो शायद पूछ सकते कि किसको मिला है रिसेंटली, कौन सी यूएन की बॉडी उसको मिला है। ठीक है, तो इसके डिटेल्स आपके एंड से थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट है, सिटीजन पोल थ्रोज अप 3 कंटेंडर फॉर नेशनल बटरफ्लाई टैग। तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे कुछ बन सकता है कि जहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई फाउंड इन इंडिया। तो अगर ऐसे कुछ यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा तो आप बोलोगे कि कुछ भी पूछ लेती है यूपीएससी, बट एक्चुअली वैसा नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा है हम देखते हैं बाद में, बट आप जस्ट देख लेना एक बार, इंडियन जेजबेल, कृष्णा पिकॉक या ऑरेंज ओक क्लिफ है या गार्डन टाइगर आएगा। सो ऑलरेडी यूपीएससी ने 17 में ऐसे काइंड का क्वेश्चन पूछा था जब ऐसे न्यूज आई थी थोड़ी बहुत स्पाइडर के बारे में, तब ऐसे सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो याद रखना कि गार्डन टाइगर इसका कोई पार्ट नहीं है, बट द थिंग इज दैट कि ऐसा क्यों क्वेश्चन पूछ सकता है। सो देर इज वेरी पॉसिबिलिटी बिकॉज अभी तक हम स्टेट बटरफ्लाई देख रहे थे, बट अभी नाउ देर इज न्यू कंसेप्ट, मतलब जो कि अभी नेशनल बटरफ्लाई भी यहाँ पे डिक्लेयर होने वाला है, जिसके लिए नेशन वाइड पोल वॉज ऑर्गेनाइज बाय द नेशनल बटरफ्लाई कैंपेन कॉन्सोर्टियम। ठीक है, उन्होंने पूरा मतलब नेशनल लेवल पे ऐसे कुछ वी कैन से कि पोल लिया था, एंड उसके अकॉर्डिंग 3 बटरफ्लाई यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं। सो दैट इज इंडियन जेजबेल, कृष्णा पिकॉक एंड ऑरेंज ओकलिफ। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये न्यूज़ में चल रहा है कि एटलीस्ट ये 3 पता होने चाहिए, जब ये डिक्लेयर होगा कि कौन सा रहेगा इसमें से फाइनलाइज कौन किया है, तो वो न्यूज़ आने के बाद हम उसको बाद में कवर करेंगे। ठीक है, फॉर राइट नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस 3 टाइप्स। ओके, तो मॉथ एंड बटरफ्लाइज में फर्क होता है, जो कि गार्डन टाइगर आप देखोगे तो इट इज द ब्राउन एंड व्हाइट मॉथ के में इसमें आता है। मॉथ थोड़े से अगली लाइक दिखते हैं, बटरफ्लाई ब्यूटीफुल दिखते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप देख लेना जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है, चलो सेंटर सेट्स अप अ कमीशन टू टैकल एनसीआर पोल्यूशन। देखो अगेन पोल्यूशन पे बहुत सारी न्यूज है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो ईपीसीए जो 22 ईयर ओल्ड है तो उसको रिप्लेस करने वाले की मतलब विद द डिफरेंट कमीशंस, तो वो कमीशन को ऑलमोस्ट यहाँ पे राइट्स दिए जाएंगे कि लेवी फाइंस अप टू 1 करोड़ एंड 5 ईयर्स इंप्रिजनमेंट तक। यहाँ पे इतने अगर कोई वायोलेशन करता है एक्ट्स का, डिफरेंट एक्ट्स का, तो फिर यहाँ पे एयर क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा एक अलग अलग स्टेप लिए जा सकता है। एंड सेंटर प्रोमिसेस लॉ टू चेक स्टबल बर्निंग, तो डिफरेंट लॉज भी किए जाएंगे स्टबल बर्निंग के रिलेटेड, एंड इट विल एन ऑर्डिनेंस फॉर द टैकल एयर पोल्यूशन इन एनसीआर रीजन्स। ओके, देन उसके बाद अगर देखते हो स्टबल बर्निंग एग्जैक्टली क्या होता है, तो वो समझ लो कि पैडी रेसिड्यू इज नॉट यूज फॉर द फोडर, सो इसलिए ये क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्रॉप लेने के लिए इसको बर्न कर देते हैं। तो व्हीट अगर देखा जाए, व्हीट इतना बड़ा इशू नहीं है बिकॉज व्हीट रेसिड्यू मोस्टली फोडर एज अ फोडर यूज होता है, जो कि कैटल्स के लिए न्यूट्रिशियस होता है, तो वो यूज हो जाता है।
इट्स ओनली स्टॉक, मतलब उसको कट करने के बाद जो उसके स्टॉक्स बचते हैं छोटे छोटे पार्ट्स से, मतलब जो रूट से कनेक्टेड हो गए, तो उसको बर्न किया जाता है, बट उसका उतना पोल्यूशन नहीं होता है। बट पैडी डायरेक्टली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हम कंसिडर कर सकते हैं, तो पैडी डायरेक्टली यहाँ पे बर्न किया जाता है, उसमें थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट हाई होता है, इसलिए पार्टिकुलेट मैटर होगा या फिर अदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये सब क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादातर रिलीज होता है, और दैट इज़ द मेन इशू पैडी रेसिड्यू अगर देखा जाए। ठीक है, तो देख लेना यूपीएससी ने इस बार इस बहुत सारे ऐसे खरीफ क्रॉप के बारे में भी पूछा था। सो पैड इज द खरीफ मौसम क्रॉप जनरली एंड वीट इज द रबी क्रॉप। ओके, देन ग्रीन फायर क्रैकर्स के बारे में भी आया था, टू मेक फुल फ्लेश दिल्ली डेब्यूट। तो बहुत सालों से चल रहा था कि यहाँ पे स्टार सफल एंड स्वास अगर आप देखोगे, ठीक है, सो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ थे, स्टार सफर एंड स्वास दैट इज। ओके, कि ये जो ग्रीन फायर क्रैकर्स आते हैं, तो देखो इस पे भी आई थिंक एक मैंने क्वेश्चन पूछा था, यस दैट इज दे आर कॉल्ड एज द सेफ वाटर रिलीजर दैट इज स्वास, सेफ थर्माइट क्रैकर स्टार एंड सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। तो ये तीन किसके टाइप है, तो यूपीएससी सिंपल पूछेगी आपको कि स्वास सफर एंड सफल एंड स्टार, ठीक है, तो ये किसके टाइप है, मतलब ये किसका इनिशिएटिव है, तो इट इज नथिंग बट अ ग्रीन क्रैकर्स। ओके, कि ग्रीन क्रैकर्स डोंट कंटेन बैंड केमिकल्स सच एज लिथियम आर्सेनिक बेरियम एंड लेड। ओके, एक तो बहुत ही शार्पली ये कम किए जाते हैं या फिर ऑलमोस्ट ये अब्सेंट होता है। ओके, सो लाइक एल्यूमिनियम होगा, बेरियम, पोटेशियम नाइट्रेट, कार्बन हैव आइदर बिन रिमूव्ड और शार्पली रिड्यूस टू स्लो डाउन द इमिशन बाय 15 to 30%। ओके, सो अ बैन ऑन फायर क्रैकर वॉज इम्पोज इन 18 एंड 19, ओनली ग्रीन क्रैकर्स वेर अलाउड। तो 20 में भी वही सेम उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया। सो याद रखना कि ये जो इसकी वजह से, मतलब ग्रीन फैकर क्रैकर्स के बेनिफिट वही है कि ऑलमोस्ट ये 30 to 40% तक CO2 इमिशन वगैरह कम कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड, ठीक है, तो यही क्वेश्चन एक थोड़ा सा ट्राई कर देना कि ग्रीन क्रैकर्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग द पायरो टेक्निक टू एंश्योर दैट इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड डज नॉट ऑकर। यस, इट इज राइट। दे हैव केमिकल्स फॉर्मुलेशन दैट प्रोड्यूसेस वाटर मॉलिक्यूल। यस, थोड़ा सा वाटर यहाँ पे रिलीज होता है, सो दैट पार्टिकुलेट मैटर जो हो गया वो सेटल डाउन हो गया, इससे पोल्यूशन क्या होगा, कम होगा। एंड दे आर मेड अप ऑफ केमिकल सच एज लिथियम आर्सेनिक बेरियम एंड लेड। तो ये गलत है ना, बिकॉज ये केमिकल तो हम कम करना चाहते हैं जो कि हजार्डस है, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। सो आंसर शुड बी 1 and 2 ओनली। तो ऐसे सेम क्वेश्चन आपको बन सकता है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस। सो आई थिंक आज के लिए इतना सफिशियंट है। सो डेफिनेटली वी विल कवर मोर न्यूज इन द टुमारो सेशन राइट एट 12 PM। डेली हमारा 12 PM सेशन होता है। एंड इफ़ यू वॉन्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर और MCQs रिलेटेड अगर कुछ सेशंस हो गए, बहुत सारे ऐसे सेशंस हैं कि जो हम अनअकैडमी ऐप पे कवर करते हैं, सो आपको जस्ट अनअकैडमी ऐप पे सुमित कोंडे आपको टाइप करना है एंड यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स, एंड आपको सब्सक्राइब करना है सो दैट आप यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द लेक्चर्स। फ्री सेशंस हो गए वहाँ पे, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।